केंद्र सरकार की हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन योजना में मथुरा को सम्मिलित तो करीब सवा साल पहले ही कर लिया गया था, लेकिन उसकी डीपीआर आज तक नहीं बनी है। इस योजना की सिटी डेविल एडवाइजरी मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक रविवार देर रात कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सांसद हेमा मालिनी द्वारा ली गई। बैठक में कंसल्टेंट एजेंसी ब्रज फाउंडेशन के प्रतिनिधियों ने मथुरा और वृंदावन के सौंदर्यीकरण एवं संरक्षीकरण के लिए तैयार 7 प्रारंभिक प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण दिया। सांसद बैठक में 1.5 घंटा विलंब से आईं। उनके आगमन से पूर्व स्थानीय कांग्रेस विधायक प्रदीप माथुर ने एजेंसी के प्रतिनिधियों के साथ काफी माथापच्ची और उन्हें अपने सुझाव दिए। केंद्र सरकार की हृदय योजना के संबंध में सिटी लेवल मॉनिटरिंग एंड एडवाइजरी कमेटी की बैठक में भाग लेने वाले विधायक प्रदीप माथुर हमारे साथ हैं। हम आपसे पूछते हैं कि क्या समझा आपने इस बैठक में? देखिए, मीटिंग काफ़ी लंबी चली और कोई ख़ास नई बात नहीं है, वही पुराने किस्से हैं। इसमें एक तो जन्मभूमि के चारों तरफ का सौंदर्यीकरण और उसके बाद होली गेट से छत्ता बाजार से लेकर विश्राम घाट तक की मार्केट का सौंदर्यीकरण और फिर उसके बाद जो है विश्राम घाट से कंसकिले के घाट का निर्माण, जैसे पहले भी मेगा डेस्टिनेशन स्कीम में लिया जा चुका है, उसमें हमने आरती स्थल और जुड़वाई है। इसके अलावा मथुरा के 6 टीलों का निर्माण की व्यवस्था और उनके देखरेख, और इसके बाद जो एक ट्रेन चलती है मथुरा वृंदावन के बीच में, उसे शिवताल तक ले जाकर उसे ब्यूटीफाई करना और उसको एक हेरिटेज स्टेटस देने की बात, और इसके अलावा वृंदावन परिक्रमा मार्ग का अपग्रेडेशन, ये सारी की सारी बातें हैं। जो प्रस्ताव तैयार करके आज प्रेजेंटेशन उनका कंसल्टेंट एजेंसी द्वारा दिया गया, उससे कितने संतुष्ट रहे? देखिए, अभी तो डीपीआर तैयार ही नहीं है। कुल 40 करोड़ रुपए के लिए मथुरा वृंदावन में रखा गया है लोकेशन, जो कि बहुत कम है, और अभी तो 2 डीपीआर तैयार होके उनको रिव्यू करके केंद्र सरकार को भेजेंगे, तब जो है जब तक सवा साल हो चुका है। देखिए, बड़ी पीड़ा है, बहुत पैसा हमने लाके दिया। जे नर्म भी डीपीआर ना मिलने के कारण फेल हो गया, डीपीआर प्रदेश सरकार नहीं बना पाई, केंद्र सरकार को नहीं दे पाई। 1800 करोड़ के विजन डॉक्यूमेंट्स बने थे, प्रस्ताव हुआ था, और कुल 280 करोड़ रुपये आ पाए। सब मथुरा की जनता को पता है सामने क्या है, 100 करोड़ के नाले, 60 करोड़ की, जहाँ इतना सीवर पड़ना था वहाँ कुल 60 करोड़ का सीवर पड़ा। तो इसी तरह सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक प्लांट बना, और मेहनत बहुत की जाती है, नतीजा कुछ नहीं निकलता, पैसा उतना लग नहीं पाता जिस तरह लगना चाहिए। तो उस हिसाब से तो नतीजा ऐसा लग, अब ऐसा है, चलिए गोबर गिरेगा तो कुछ ना कुछ लेके तो उठेगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही। उम्मीद हम तो इसी आशा में जीते हैं कि मेहनत करेंगे करेंगे लगेंगे करेंगे लगेंगे तो फिर सफलता तो मिलेगी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी मनीष वर्मा, मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के सचिव एसपी सिंह, अधिशासी अभियंता एसडी शर्मा, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक के वाजपेयी, पालिका अध्यक्ष मनीष गुप्ता और कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी उदयराज आदि मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि मथुरा पालिका इस योजना की नोडल एजेंसी है। बैठक के उपरांत नियो न्यूज ने उसकी अध्यक्षता करने वाले सांसद हेमा मालिनी से बात की। सरकार की योजना हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, जिसके तहत भारत के 1 दर्जन शहर लिए गए हैं जिनके प्राचीन स्वरूप के साथ उनका विकास किया जाना है, उनमें एक मथुरा भी है। मथुरा के साथ वृंदावन भी सम्मिलित किया गया है स्थानीय स्तर पर, और इस योजना की बैठक आज ली गई स्थानीय सांसद प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी द्वारा। इस बैठक के संबंध में अभी आपने विचार सुने ही विधायक प्रदीप माथुर के, अब हम आपसे जानते हैं कि आपकी क्या अनुभूति रही आज इस बैठक में, जो सिटी लेवल की बैठक हुई है। या बहुत अच्छा था ये बैठक, यहाँ पे जो हेरिटेज साइट्स जो हैं उसका कैसा प्रिजर्व किया जाए इसकी बात हुई थी। तो उन्होंने कहा मथुरा, तो मैंने बोला पूरा ब्रज, कृष्ण का पूरी जगह है पूरे ब्रज में, लेकिन इस वक्त वो सिर्फ सिटी को ले रहे हैं, तो सिर्फ मथुरा, द्वारकाधीश एंड देन विश्राम घाट, ऐसे कुछ जगह है, एंड देन वृंदावन में परिक्रमा मार्ग को ठीक करने की बात कर रहे हैं जी। तो मैंने अपनी तरफ से काफ़ी कुछ कहा है क्या क्या होना चाहिए, सिर्फ बाकी लाइक अदर सिटीज़, जितने भी 12 सिटीज़ जो उन्होंने लिया है वो सिर्फ सिटी एक ही एक रह गया, वाराणसी, तो वाराणसी के इर्द गिर्द कुछ नहीं है।
वैसे कि मथुरा और वृंदावन को लिया तो इसके कुछ पूरा ब्रज है, इतना बड़ा है ब्रज, उसमें एक हर जगह आप कृष्ण की लीलाएं रचाई हुई सब चीज़ है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो जिसको अभी इसी वक्त हम लोग मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो आने वाले समय में सब ख़त्म हो जाएगा, किसी का मालूम भी नहीं पड़ेगा कि ये कुछ ऐसा है। और इसके अलावा मैंने ये भी कहा कि यहाँ पे हाई रेज्ड बिल्डिंग नहीं होना चाहिए, ख़ास तौर पे वृंदावन में। वृंदावन में इतने सुंदर मंदिरें हैं, इज़ ए सिटी ऑफ टेम्पल है ना पूरा वृंदावन, तो वहाँ पे मैं आजकल देख रही हूँ बहुत बड़ा मॉल बन रहा है। आई मीन हमें आगे बढ़ना चाहिए, बहुत कुछ नई चीज़ों को लाना है, लेकिन एक वृंदावन को छोड़ के उससे थोड़ा हट के आप लोग जो करना करिए, लेकिन जो वृंदावन जो है उसे मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। साधु संतों की जगह है मंदिर, जो बड़े बड़े मंदिर आज छोटे छोटे दिखते हैं क्योंकि उसके आगे बाजू में सब बहुत बड़े बड़े मकान बना लिया है सब लोगों ने। सो सेम थिंग इज़ हैपनिंग इन मथुरा ऑल्सो। तो मथुरा में हाई रेज्ड बिल्डिंग जो भी बनाते हैं वो सिटी से थोड़ा दूर कहीं भी हाईवे में कहीं बनाए तो ठीक है, ये आपका एक ये मेरा राय था। इसके अलावा बहुत सारी जगह है ब्रज में, बरसाना है, गोकुल है, नंदगांव है, गोवर्धन है, बलदेव क्षेत्र है और बहुत सारे वन हैं, इन सबको अभी डेवलप करने की बात हो रही थी। लेकिन हेमा जी, ये तो थी कंसल्टेंट एजेंसी और आप हैं प्रतिनिधि उस केंद्र सरकार की जिसकी की ये योजना है, तो ये जो बातें आप कह रही हैं, ये जो सुझाव आप दे रही हैं, बेहतर होता कि ये सुझाव आप केंद्र सरकार को देती हैं, मोदी जी को देती हैं। हमारे लिए ये बड़े गर्व की बात है, स्थानीय वासियों के लिए, कि आप जैसी प्रतिनिधि हमें मिली हुई हैं, आप हमारे यहाँ की सांसद हैं। हाँ जी सुनिए, ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैं जैसे सांसद बनी थी तो मैंने मोदी जी से जाके सब कुछ कहा कि ये एक ऐसी जगह है लेकिन यहाँ पे कुछ है ही नहीं अभी और आगे कुछ आने वाले समय में सब नष्ट हो जाएगा, तो उनके दिमाग में यही था। तो उन्होंने टूरिज्म मिनिस्टर को महेश शर्मा जी को बुला के ये सब बताया है, तभी ये सब आगे अभी बढ़ रहा है। ये प्रपोजल्स थे इनके पास लेकिन ये आगे बढ़ नहीं पाया। कृपया आप बताएंगी कि इसकी धनराशि कितनी मंजूर होने की संभावना है? अभी बताया होगा उन्होंने कितना, 40 करोड़ के लगभग। हाँ, 40 करोड़ सुना है, 2000 करोड़ कुछ दिया था कुछ साल पहले, वो कहाँ गया किसी को मालूम नहीं। वो तो जेनरम में दिया था, पूर्व गवर्नमेंट ने दिया था। वो मुझे आई हैव नो आईडिया अबाउट दैट, 2000 करोड़ से कुछ नहीं हुआ यहाँ। हाँ, मतलब वो गया किधर, वही तो बात है ना। हाँ, तो अभी जो भी निधि आता है वो सही ढंग से यूज किया जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। 40 करोड़ क्या, और भी 15 करोड़ में भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये बात आपकी एक सही निकल कर आई जवाब के रूप में। हाँ जी, कि यदि सही ढंग से प्रयोग होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ये प्रॉब्लम रहता है हमारे कंट्री में, ब्रज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। निधि है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा यदि हम, कौन सी निधि? सांसद निधि। हाँ, सांसद निधि तो बहुत अच्छी तरह से काफ़ी हो चुका है। बहुत सारे रोड्स बनवाए हैं, बहुत सारे लाइट्स लगवाए हैं सोलर सिस्टम का, और वो लाइट और वो वाटर प्योरीफायर भी लगा रहे हैं, काफ़ी कुछ कर रहे हैं। आज आपसे हमारी बातचीत हो रही है उस मौके पर जबकि सभी के महानायक अमिताभ बच्चन जी का जन्मदिन है। जन्मदिन है, हाँ जी। है ना? और यदि हम आपको महानायिका कहें मुझे, हाँ, तो शायद अमिताभ बच्चन जी के सापेक्ष यदि किसी अभिनेत्री का नाम लिया जाता है, हाँ, अभिनेता के सामने, तो हाँ, वो हेमा मालिनी ही हैं। तो हम दोनों ने मिलके बागवान भी किया ना, इसीलिए कि लोगों को याद रहे एंड सब लोग बहुत पसंद भी करते हैं। और मैं आज अमित जी का बर्थडे है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ही इज़ वन ऑफ माई वेरी फेवरेट को स्टार एंड ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन। मैं उनकी बहुत भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, बहुत अच्छी सेहत, गुड हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस फॉर हिम। फ्रॉम माई साइड आई विश हिम ऑल गुड लक। और मेरा भी बर्थडे है इसी महीने में, मेरा भी आता है। हेमा जी, थोड़ा सा आप इसको अन्यथा में मत लीजिएगा, आपके जो चाहने वाले, आपके जो प्रशंसक हैं, हाँ जी, जो आपको फिल्मों में देखते हैं, तो आपकी भाषा शैली उनको दूसरी नजर आती है ना, बसंती नजर आती है और एक कड़क बोली होती है, यहाँ आपकी भाषा शैली दूसरी होती है। तो अभी इसके बारे में मैं क्या बताऊँ, क्या बोलना, क्या कहेंगे आप?
कुछ नहीं कहूँगी मेरे मैं हूँ ये ओरिजिनल ये दैट इज ऑल एक्टिंग वी एक्ट हमारी अलग अलग किरदार परफॉर्म करते हैं उसे इतना लोग उसमें प्रभावित हो जाते हैं कि वो उसी रूप में देखना चाहते हैं लेकिन मैं पर्सनल लाइफ में मैं वैसे नहीं हूँ लेकिन मैं बट समवेयर मेरा नेचर थोड़ा बहुत मिलता जुलता भी है क्योंकि आई एम वेरी फ्रैंक वेरी ओपन मुझे कुछ छुपा के बात करने की आदत नहीं है हम बसंती के जैसे थोड़ा बहुत हूँ मैं अच्छा हाँ जी और आज विश्व बालिका दिवस भी है विश्व बालिका हाँ यानी कि आप समझ रही हैं कि हमारे देश में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में आज पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का अनुपात घटता जा रहा है समझ रही हैं तो महिलाएं घटती जा रही हैं और यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1000 पुरुषों के मुकाबले 871 हैं और मथुरा में 817 1000 के मुकाबले तो ऐसे में आप अपना संदेश क्या देना चाहेंगे मैं संदेश यही देना चाहती हूँ मैं एक नारी हूँ मेरी दो बेटियाँ हैं मैं बहुत खुश हूँ कि बेटियों को आगे बढ़ाना चाहिए आज के ज़माने में लड़कियाँ क्या क्या नहीं कर सकती हैं जो मुकाबले आदमियों के मुकाबले में बहुत कुछ कर सकते हैं कर दिखा रही हैं ये कुछ प्रदेश में ऐसा एक सोच है कि महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है लेकिन मैं कहती हूँ उनको बराबर शिक्षा दें उनको ओपन उनको जो जो भी टैलेंट है उनमें अब जब बच्चे को देखेंगे बच्ची को कि उसमें म्यूज़िक में डांस में या किसी पॉलिटिक्स में किसी में भी जो भी इंटरेस्ट है बच्चे को उस पर उसको माँ बाप को आगे बढ़ाना चाहिए उसको रोके नहीं और अच्छा मैंने भी बहुत सारी लड़कियों का देखा है बहुत सुंदर नृत्य करती हैं शास्त्रीय नृत्य है, और इतना बहुत ब्यूटीफुल करती है इतना अच्छा उस जैसे शादी हुआ वो आदमी आगे बोलता है नहीं अभी डांस नहीं कर सकते हैं तो क्यों एक आर्ट है एक कला है जो आपने सीखा है आपके माँ बाप ने इतनी मेहनत से आपको सिखाया है उसको आगे बढ़ाना चाहिए हस्बैंड को अगर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता या तो पहले से बोल दे कि शादी के बाद ये नहीं होगा और लड़की को भी इट्स यू आर किलिंग योर सम ब्यूटीफुल टैलेंट इन यू ये टैलेंट को आगे बढ़ाना चाहिए आई मीन इन ए रेस्पेक्टेबल मैनर दैट्स व्हाट आई फील एक दो छोटे छोटे से प्रश्न आज आप जनसंपर्क में भी रही हैं जिला पंचायत के चुनाव में भी उतार दी गई हैं पार्टी के द्वारा हाँ जी तो कैसी फीलिंग्स हैं अभी बिहार में नहीं बिहार का तो हमने देखा आपका माइक खराब हो गया था वहाँ पर एक जगह माइक खराब हो गया था ये माइक इतने पब्लिक ने आज गला खराब हो गया हा? आज गला खराब हो गया नहीं नहीं गला इसलिए गर्म पानी भी पिया आपने नहीं मुझे चाय नहीं दिया सुबह से मैं घूम रही हूँ ना चाय दिया ना पानी दिया कुछ नहीं ऐसे मैंने बोला मैं कल ऐसा नहीं करूँ मेरे लिए सब कुछ चाहिए मुझे व्हाइल योर कैंपेनिंग मींस इट्स अ वेरी हार्ड वर्क इट्स टू हॉट इतनी गर्मी में हम लोग किसी और के लिए बात कर रहे हैं तो कुछ तो खाने पीने तो होना चाहिए कहीं इस बात का कष्ट तो नहीं था कि जिन्होंने आपका सहयोग किया था आज उन्हीं के विरुद्ध आपको चुनाव प्रचार करना पड़ रहा है नहीं नहीं मैंने पहले ही जाते ही यही कहा है उन सबको धन्यवाद किया कि आप लोगों ने मुझे सांसद चुना है मैं आप मुझे चुना के मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं मुझे बहुत खुशी हुई आप लोग सबको मैं जितने लोगों ने मुझे वोट दिया मैं सबको धन्यवाद करती हूँ आपके क्षेत्र में आकर ब्रज की सेवा करने का मुझे अवसर मिला है पहले तो ये कहा उसके बाद मैंने कहा यहाँ के जितने भी विधायक जो भी बने हैं इतने सालों से क्योंकि देखिए मेरा तो मिलता है सांसद निधि 5 करोड़ और ये जो पंचायत का मिलता है 50 करोड़ मुझे मालूम पड़ा ज़्यादा मिलता है 50 करोड़ नहीं बहुत और साल में और हुआ क्या सब गांव-गांव देखिए क्या हालत है मैंने उनको यही समझाया कि अगर 15 साल में आपके यहाँ गांव ऐसी स्थिति में है और 50 करोड़ गया किधर तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा पब्लिक को तो उनको दे डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग इट्स सो इम्पॉर्टेंट रोड अच्छा नहीं है नाला ऐसा पड़ा है कुछ कोई सुविधा नहीं है ये क्या दिस इज नॉट डन इतना भी मत करो ना भ्रष्टाचार आज आपने जो बैठक ली हालांकि इस बैठक में आप तो मैंने यही मैंने यही इसीलिए कहा कि आप हमारे मोदी जी जो हैं ऐसा अच्छे अच्छे काम करते हैं गरीब जनता के लिए किसानों के लिए सारा काम कर रहे हैं
तो वो इतना प्लान योजनाएं बनाई हैं, तो उनके साथ हम लोग चलेंगे। मेरा कहना यही है कि जो सही ढंग से काम करें उनका साथ दो, और जिन्होंने आपको वोट दिलवाई उनके साथ नहीं चलते, ठीक है ना? नहीं, बात गलत बात, आप ये उल्टा कुछ बोल रहे हैं। मैं जिसने वोट दिया उसके साथ मत दो, ऐसा कभी नहीं। उन्होंने वोट दिया, मैं उनका थैंक्स बोल रही हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और ये पंचायत का है, मतलब जो भी आए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि हमारी पार्टी के जीत के आना चाहिए। हमारे पार्टी जीत गया तो बहुत खुशी है, अगर दूसरी पार्टी का कोई भी जीतता है वो सही ढंग से काम करे। मैं इतना ही मैं चाहूंगी कि 50 करोड़ आए तो उसका पूरा यूटिलाइज करो। आज आपने मीटिंग ली 5:30 बजे से थी, आप 7 बजे आई। हाँ जी, क्या कहेंगी इस बारे में? क्योंकि रोड इतना खराब था, आते आते मेरे थक गए मैं। अच्छा, इसमें भी आपने एक बहुत अच्छा जवाब तलाश लिया। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, मैं मेरा सर अभी तक चकरा रहा है। इस मीटिंग से पहले एक मीटिंग और हुई थी आपके पत्रों को लेकर, आपने जो पत्र लिखे हैं। हाँ जी, हाँ जी। शासन को, प्रशासन को, प्रशासन विभिन्न कार्यों के लिए, ये सड़क बनवा दीजिए, वो सड़क बनवा दीजिए, यहाँ पर सब, और मेरे कहने पे पेयजल की व्यवस्था करा दीजिए, काफी जगह रोड्स भी बन रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से भी मिल के आई मैं, तो वो भी बता दीजिए। मैं ब्रज के लिए मैं बहुत कर रही हूँ, मैं किसी पार्टी वार्टी को नहीं देखती हूँ, मेरा ब्रज से मेरा कनेक्शन है। मैं चाहती हूँ ब्रज का बहुत अच्छी तरह से विकास हो, और मुझे बहुत खुशी हुई मैं अखिलेश जी से मिलकर आई, वो उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को भी बुलाया और सारा चीज़ जो जो यहाँ पे ज़रूरतें हैं सब बताया। तो उन्होंने ऑलरेडी ये प्रशासन को भी बता दिया कि ये सब काम करवाना है, तो उसी लिए मीटिंग थी, लेकिन मैं आ नहीं पाई, लेकिन मैं कल परसों मिलकर बात। मोदी जी से कब मिल रही हैं आप? मोदी जी से कब मिल रही हैं? अभी जाके मिलूंगी, एक हफ्ते के बाद। चलिए, धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच, वक्त आपने दिया, इतना बातचीत हमसे की, थैंक यू। अभी तक हमारे साथ रहें प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी, जो हमारे यहाँ की सांसद हैं। इनके द्वारा यहाँ पर हृदय योजना के संबंध में एक बैठक ली गई, उस बैठक में जो कंसल्टेंट एजेंसी है उसके द्वारा अपना प्रेजेंटेशन दिया गया, उसके जो प्रारंभिक प्रस्ताव हैं वो उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए, जिनमें कि मथुरा के 6 स्थल समाहित हैं, मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान और छत्ता बाजार के अलावा यहाँ पर जो घाट हैं और जो शिव ताल है या जो 4 शिव मंदिर हैं और जो 6 टीले हैं, उनके संबंध में उन्होंने अपने प्रस्ताव दिए, उनके सौंदर्यीकरण के, उनके संरक्षणीकरण के उन्होंने प्रस्ताव अपने दिए हैं, और जिनको आपने समझा और अपने सुझाव उस कंसल्टेंट एजेंसी को दिए हैं, साथ ही जो विभिन्न समसामयिक सवाल हमने आपसे पूछे उनके जवाब आपने सुने। न्यू न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन गोपाल जग्गा के साथ योगेश खत्री।